हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको, देखिए यूपी के अंदर अप्रैल मई जून की जो पेंशन है वो कितने पेंशन लाभार्थी हैं जिनको जो है यूपी के अंदर विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या दिव्यांग पेंशन हो, या कुष्ठ रोग पेंशन है, कितनी जनसंख्या है कि किस राज्य में कितने पेंशन लाभार्थी हैं, पूरे यूपी के अंदर कितने लाभार्थी हैं, सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और यूपी के अंदर जो पेंशन भेजी गई है जनवरी फरवरी मार्च के 1000 रुपये महीने के हिसाब से भेजी गई है, जबकि सरकार ने वादा किया था 1500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन भेजी जाएगी, मगर अभी तक अप्रैल मई जून की पेंशन आने वाली है। अभी तक ये नहीं पता है 1000 रुपये महीना पेंशन भेजी जाएगी या 1500 रुपये महीना पेंशन भेजी जाएगी, अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। 1 जून से जो है पेंशन का पैसा अप्रूव होना शुरू हो जाएगा, यानी पीएफएमएस पोर्टल पर पेंशन का पैसा डलना शुरू हो जाएगा और 15 जून से जो है बैंक में जाना शुरू हो जाएगा पेंशन का पैसा, ठीक है। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप पेंशन लिस्ट देख सकते हैं, किस तरह से आप यूपी के अंदर कितने पेंशन लाभार्थी हैं, हमारे गांव के अंदर कितने पेंशन लाभार्थी, हमारे जिले के अंदर कितने पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। इसमें आपको टाइप करना है, वेबसाइट है SSPY, ठीक है, SSPY, इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो सबसे ऊपर का लिंक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका थोड़ा नेट फास्ट होना चाहिए तो अच्छे से वेबसाइट ओपन होती है, तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ऊपर करते जाना है। देखिए जैसे आप इसको ऊपर करते जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है विभाग का नाम समाज कल्याण, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है लाभार्थियों की संख्या, ठीक है, जो वृद्धा पेंशन है यानी ओल्ड एज पेंशन है तो उनकी जो संख्या है देखिए 42,10,186 है, और विधवा महिला जो है 28,62,724 हैं, और दिव्यांगजन जो है 9,79,478 हैं, और कुष्ठ रोगी जो है 11,208 हैं। टोटल जाकर जो है 80,63,596 जो है पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अगर आप पेंशन देखना चाहते हैं हमारे जिले में कितने पेंशन लाभार्थी हैं, तो देखिए जो से पेंशन आप चेक करना चाहते हैं, देखिए ये विधवा महिला पेंशन है, ये दिव्यांग पेंशन, तो आपको अधिक पड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अधिक पड़े पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसको ऊपर करते जाना है। जी आ चुकी है, कौन से सन की आपको सूची देखनी है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। 23-24 पे आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट के किस डिस्ट्रिक्ट के सामने कितने कुल पेंशन लाभार्थी हैं और कितने रुपया दिया जा रहा है, कितने कुल पेंशन लाभार्थी और कितने रुपये की धनराशि दी जा रही है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो में पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो क्या देखना चाहते हैं जो भी आपका जिला है तो आपको जिले पर क्लिक कर देना है, फिर आपकी जो ग्राम पंचायत आई ग्राम पंचायत में क्लिक कर देना है। देखिए ग्राम पंचायत आ चुकी है, यहाँ पे देखिए विकासखंड आ चुके हैं, इसी तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरह से देखिए ये आ चुके हैं 8 पेंशन लाभार्थी हैं इस ग्राम के अंदर, ये देखिए पेंशन नंबर भी आ चुका है, पेंशन धारक का नाम भी आ चुका है, और कौन से अकाउंट में पेंशन जा रही है ये भी आ चुका है, और कितने रुपए महीने और कितने रुपए पेंशन पहुंची है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।